ओबीसी चयनित शिक्षकों ने लोक शिक्षण संचालनालय में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और हंगामा किया। ओबीसी चयनित शिक्षकों का आरोप है कि 2018 की भर्ती ओबीसी चयनित शिक्षक 21 मार्च 2022 जीपीआई में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सभी वर्गों को ज्वाइनिंग दे दी सिर्फ ओबीसी को छोड़कर। उनका आरोप है कि आज 92 दिन हो गए पर अभी तक सरकार ने सुध तक नहीं ली। इतनी बड़ी सरकार है, इतने बड़े संसाधन है, क्या हम ओबीसी के लिए सरकार के पास इतना टाइम भी नहीं कि हम लोगों को एक बार सुन लें? हम लोगों के भविष्य के साथ आज हम लोग के परिवार का भविष्य भी गर्भ में है। तिल तिल कर हम ओबीसी शिक्षक रोज मर रहे हैं, पानी सिर के ऊपर हो गया है। अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं, या तो सरकार सम्मानजनक ज्वाइनिंग दे दे, नहीं तो इच्छा मृत्यु दे। से मेरे साथियों के साथ साथ पूरे 52 जिले से ओबीसी चयनित शिक्षक आए हुए हैं। चूंकि 2018 के जो चयनित ओबीसी चयनित शिक्षक है उनकी फाइनल लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, इसी वजह से हम लोग 90 दिन से यहाँ पर अनशन धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है सर, और इसी वजह से आज हम लोग पुनः आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, और लेकिन ये कि कोई भी अधिकारी हमारी बातें सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं सर। अभी तक तो फिलहाल में कोई नहीं आया है। हम चाहते हैं कि मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए। और ओबीसी 90 दिन, आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं सर, हम लोग बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मैं बता दूँ मेरी 4 साल की बेटी और बड़ी बेटी तो मेरी विकलांग है। इस स्थिति में हम लोग बच्चों को छोड़ कर आते हैं सर, लेकिन हमारी बातें मीडिया कोई, मतलब अधिकारी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे।